सभी को जय हिंद। मैं हूं पवन कुमार। आज चर्चा करते हैं अभिप्रेरणात्मक चक्र, अभिप्रेरणा चक्र, अभिप्रेरणात्मक चक्र, मोटिवेशनल साइकिल। मोटिवेशनल साइकिल, इसको हम दूसरे शब्दों में आवश्यकता चालक प्रोत्साहन सूत्र भी कहते हैं। कि आवश्यकता चालक प्रोत्साहन सूत्र क्या होता है, तो इसको हम अभिप्रेरणात्मक चक्र को ही आवश्यकता चालक प्रोत्साहन सूत्र कहते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं कि हमारे जीवन में जब भी कोई आवश्यकता होती है, और उसके उपरांत आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारे शरीर में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है और इसके फलस्वरूप शरीर में चालक उत्पन्न होते हैं, जिनको आप अंतर्नोद कहते हैं, ड्राइव कहते हैं। अब जब आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, तो यहां पर आवश्यकता चालक प्रोत्साहन सूत्र या अभिप्रेरणात्मक चक्र में पहला कदम, पहला पद आपका आवश्यकता ही होता है, जिसको आप नीड कहते हैं। कि किसी प्रकार की आवश्यकता हुई और हमारे शरीर में असंतुलन की स्थिति पैदा हुई और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमारे शरीर में बेचैनी या उथल पुथल होने लगती है और शरीर में चालक उत्पन्न होते हैं, जिनको आप अंतर्नोद ड्राइव कहते हैं। और ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में तनाव बढ़ जाता है, सक्रियता बढ़ जाती है। अब इस तनाव और सक्रियता बढ़ने के कारण हमारा व्यवहार, जो शरीर की असंतुलित स्थिति के कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है और हमारा व्यवहार अभिप्रेरित हो जाता है, कि व्यवहार परिवर्तित होकर अभिप्रेरित हो जाता है। और व्यवहार कैसा होता है, यह लक्ष्य की ओर उद्देशित होता है, या ऐसा बोल लीजिए अभिप्रेरित व्यवहार, मोटिवेटेड बिहेवियर। यहां पर आपका जो व्यवहार कहलाएगा मोटिवेटेड बिहेवियर कहलाएगा। मोटिवेटेड बिहेवियर, अभिप्रेरित व्यवहार या लक्ष्य उद्देशित व्यवहार, गोल डायरेक्टेड व्यवहार। तो हम अपनी क्रियाकलाप करने लगते हैं और लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। लक्ष्य को प्राप्त कर लेने के उपरांत में हमारा तनाव कम हो जाता है, सक्रियता कम हो जाएगी और हमको लक्ष्य प्राप्त होगा। तो ये प्रलोभन का कार्य करता है, जिससे प्राणी में उत्साह वर्धन होता है और प्राणी को थोड़ी सी राहत मिलती है, थोड़ा सा विश्राम मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे जीवन में कोई एक ही आवश्यकता तो होती नहीं। जैसे हमने भूख खाना खाया, उसके बाद पानी की आवश्यकता, पानी पीते हैं, पानी पीने के बाद की विश्राम करते हैं, तो ये सब चीजें कंटिन्यू कुछ न कुछ आवश्यकता बनती रहती है। इस प्रकार से फिर उसी प्रकार से चक्र चालू होगा, आवश्यकता होगी, चालक का जन्म होगा, तनाव बढ़ेगा, अभिप्रेरित व्यवहार होगा, लक्ष्य की प्राप्ति होगी और उत्साह वर्धन होगा। तो इस प्रकार से ये अभिप्रेरणा चक्र चलता रहता है। और इसमें एक बात और है कि अभिप्रेरणा के प्रकार की बात करते हैं, तो अभिप्रेरणा आपके दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक अभिप्रेरणा या आंतरिक अभिप्रेरणा या सकारात्मक अभिप्रेरणा, इसी को कहते हैं। और दूसरी है आपकी अप्राकृतिक या अप्राकृतिक प्रेरणा, अभिप्रेरणा या बाह्य अभिप्रेरणा या नकारात्मक अभिप्रेरणा। तो इस प्रकार से प्राकृतिक जो प्रेरणा होती है, वो व्यक्ति के शरीर में आंतरिक अपनी इच्छा से जो प्रेरणा होती है, उसको हम प्राकृतिक अभिप्रेरणा कहते हैं या आंतरिक अभिप्रेरणा कहते हैं या सकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। हम अपने विद्यार्थियों में ये ज्यादा महत्वपूर्ण होती है अध्ययन अध्यापन के लिए, लेकिन जब ये कार्य नहीं कर रही है या उपस्थित नहीं हो पा रही है या काम उससे नहीं हो पा रहा है, तब हम अननेचुरल या वाह या नकारात्मक अभिप्रेरणा का प्रयोग करते हैं। तो ये नकारात्मक अभिप्रेरणा जो है आपके बाह्य व्यवहार से या बाहर की दूसरे की इच्छा से जो जन्म होता है, तो उसको
अप्राकृतिक या वाह नकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं। आइए और जानते हैं कि ये चक्र कैसे चलता है और कैसे इसमें व्यवहार बनता है। प्राणी में व्यवहार का जन्म किसी न किसी चाहत, इच्छा तथा आवश्यकता के फलस्वरूप होता है। अतः अभिप्रेरणात्मक चक्र की पहली मूल बात व्यक्ति में किसी इच्छा या चाहत का जन्म होना है, यानी उसे किसी अपनी आवश्यकता से अवगत होना है। उसकी यह इच्छा चाहत पूरी होनी चाहिए, ये अनुभव की गई कि किसी आवश्यकता की संतुष्ट होना चाहिए, ये बात अनुभव की गई कि आवश्यकता की संतुष्टि होनी चाहिए। यह बात मन में आते ही व्यक्ति के मन में बेचैनी उत्पन्न होने लगती है, उसकी आंतरिक अथवा बाह्य संतुलन बिगड़ जाता है, वह अपने आप से अपने वातावरण में से समायोजन नहीं कर पाता है, कुछ ना कुछ इलाज करने की बात सोचने लगता है। ये अवस्था व्यक्ति के भीतर अंतर्नोदों तथा अभिप्रेरकों को जन्म देती है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। अंतर्नोद या अभिप्रेरक एक शक्तिपुंज चालक तथा प्रणेता के रूप में व्यक्ति के व्यवहार का संचालन करने के लिए आगे आता है। व्यक्ति का व्यवहार अभिप्रेरित व्यवहार बन जाता है। इस व्यवहार में तनाव का समावेश रहता है, क्योंकि व्यक्ति को अपनी इच्छा या आवश्यकता पूर्ति की धुन लगी रहती है। परंतु जैसे ही उसका यह अभिप्रेरित व्यवहार रूपी यात्रा आगे बढ़ती जाती है, उसकी अपनी आवश्यकताओं तथा चाहत में कमी हो जाती है। धीरे धीरे वह मंजिल पर पहुंच जाता है और अपने अभिप्रेरणात्मक व्यवहार के संपादन के फल स्वरूप उसे निर्दिष्ट लक्ष्य गोल की प्राप्ति हो जाती है। उसके अंदर जो भी उथल पुथल बेचैनी तथा तनाव था, वह इस लक्ष्य प्राप्ति के साथ ही समाप्त हो जाता है। अब यहाँ पर अभिप्रेरणात्मक व्यवहार को थोड़ा सा विराम मिल जाता है। अभिप्रेरणात्मक व्यवहार को जो विराम लक्ष्य प्राप्ति के साथ मिलता है, वो किसी तरह से पूर्ण विराम नहीं होता है। अभिप्रेरणात्मक चक्र रूपी यात्रा अपने आगे की मंजिलों पर फिर चलना प्रारंभ कर देती है, क्योंकि जैसे ही व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति होती है तथा इसकी प्राप्ति से जो संतुष्टि तथा सुख मिलता है, वह उसके व्यवहार को उसी दिशा में आगे पुनर्बलित करने का साधन बन जाती है। दूसरे शब्दों में उसे अपने व्यवहार को आगे उसी दिशा में बढ़ाते रहने के लिए प्रलोभन तथा प्रोत्साहन की प्राप्ति होती है। इसी प्रोत्साहन के फलस्वरूप उसे फिर एक नई अभिप्रेरणा प्राप्त होती है तथा फिर एक दुगने जोश और उमंग से भरे हुए अभिप्रेरक का प्रादुर्भाव होता है तथा उसके व्यवहार को अभिप्रेरित कर नए लक्ष्य की प्राप्ति में व्यक्ति फिर जुट जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि अभिप्रेरित व्यवहार से व्यक्ति की किसी एक आवश्यकता या पूर्ति तो हो जाती है, परंतु मानव इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता है और आवश्यकताएं भी एक के पूरा होने पर दूसरी आवश्यकता खड़ी रहती है। इस तरह से जब व्यक्ति को एक आवश्यकता या लक्ष्य प्राप्ति के साथ पूरी हो जाती है, उसके उत्साह में अपेक्षित वृद्धि हो जाती है, वह आगे किसी प्रलोभन का शिकार हो जाता है और इस तरह का प्रलोभन और प्रोत्साहन उसे किसी अन्य तरह के अभिप्रेरक जन्य व्यवहार को अपनाने के लिए विवश करता रहता है। बात कर लेते हैं अभिप्रेरणा के प्रकार की, तो अभिप्रेरणा के प्रकार में मुख्य रूप से प्राकृतिक या आंतरिक अभिप्रेरणा, या जिसको आप सकारात्मक अभिप्रेरणा कहते हैं, यह अभिप्रेरणा प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति की प्राकृतिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और प्रवृत्तियों के साथ संबंधित होती है। आंतरिक रूप से अभिप्रेरित व्यक्ति किसी काम को इसलिए करता है क्योंकि उस काम को करने में उसे हार्दिक प्रसन्नता होती है। जब कोई विद्यार्थी गणित की किसी समस्या को हल करने में आनंद प्राप्त करता है या किसी कविता के पाठ द्वारा प्रसन्नता प्राप्त करता है, तब वह आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होता है। दूसरे प्रकार की अभिप्रेरणा होती है अप्राकृतिक या बाह्य अभिप्रेरणा या नकारात्मक अभिप्रेरणा। इस अभिप्रेरणा में आनंद का स्रोत कार्य में निहित नहीं होता है। इसमें व्यक्ति मानसिक प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए काम नहीं करता, बल्कि कोई लक्ष्य प्राप्त करने के लिए या कोई पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करता है। अच्छे ग्रेड या अंक पाने के लिए, अच्छे मान सम्मान के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए, शिल्प सीखना, प्रशंसा प्राप्त के लिए काम करना,
पुरस्कार एवं दंड सभी इसी वर्ग की अभिप्रेरणा के अंतर्गत आते हैं। वाह्य अभिप्रेरणा की तुलना में आंतरिक अभिप्रेरणा स्वाभाविक उत्साह और प्रेरणा का साधन है, इसलिए सीखने सिखाने की प्रक्रिया में इसके अच्छे परिणाम निकलते हैं। अतः जहाँ तक संभव हो सके आंतरिक अभिप्रेरणा का ही प्रयोग करना चाहिए, परंतु जहाँ आंतरिक अभिप्रेरणा संभव न हो वहाँ अभिप्रेरणा का प्रयोग किया जाना चाहिए। जहाँ पर आंतरिक अभिप्रेरणा संभव नहीं है वहाँ पर हम वाह्य अभिप्रेरणा का प्रयोग करते हैं। बात कर लेते हैं डिटेल थोड़ा कि आवश्यकता क्या होती है। तो आवश्यकता जो है आपका, आवश्यकता हमें हमारी उस परिस्थिति का बोध कराती है जिसके द्वारा हमें किसी प्रकार की अपेक्षित व्यवहार जन्य क्रिया करने को बाध्य होना पड़ता है। नीड रिफर्स टू ए कंडीशन दैट्स प्रॉम्प्ट्स अस टू एक्ट और बिहेव। तो इसमें आवश्यकताएं कई प्रकार की हैं, शारीरिक आवश्यकताएं जी या जैविक आवश्यकताएं जिनको कहते हैं, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं, इनमें आप सुरक्षा संबंधी आवश्यकता, उपलब्धि संबंधी आवश्यकता, स्वतंत्र या आत्मनिर्भर बनने की आवश्यकता, स्नेह संबंधी आवश्यकता, सम्मान अथवा सामाजिक मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता, साथी बनाने या सामाजिक जीवन बिताने की आवश्यकता, शक्ति प्रदर्शन या शक्तिशाली समझे जाने की आवश्यकता, ये सब सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं जिसमें आत्माभ्यक्ति या आत्म प्रदर्शन भी शामिल रहता है। मूल आवश्यकताओं को उनके महत्व के अनुसार वर्गीकरण करने का प्रसिद्ध अनुपम प्रयास प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो ने किया है, और इसका हम वीडियो आगे कभी इसका हम प्रयास करेंगे, इसका अलग से टॉपिक लेकर वीडियो बनाएं। बात करते हैं इसमें अंतर्नोद या चालक कहते हैं बार बार, तो इसको भी हम जान लेते हैं। तो अंतर्नोद या चालक जो है आपका, जिसको आप ड्राइव कहते हो, तो वुडवर्थ ने सर्वप्रथम मनोविज्ञान के क्षेत्र में अंतर्नोद शब्द का प्रयोग किया था। जो वुडवर्थ मनोवैज्ञानिक थे उन्होंने मनोविज्ञान के क्षेत्र में सबसे पहले चालक या अंतर्नोद शब्द का प्रयोग किया है, और प्रश्नावली विधि के जन्मदाता भी वुडवर्थ हैं। और यदि प्रश्नोत्तर विधि के जन्मदाता के रूप में बात करते हैं तो उसमें सुकरात का नाम आता है, और साथ में आगमन और निगमन में भी सुकरात का नाम आता है, और बाद में संवाद विधि प्लेटो के नाम में आती है। तो बात करते हैं अंतर्नोद या चालक, किसी व्यक्ति की ऐसी मानसिक अवस्था है जिसका जन्म उसके द्वारा अनुभव की जाने वाली किसी आवश्यकता के फल स्वरूप होता है। जैसे ही किसी व्यक्ति को किसी आवश्यकता विशेष जैसे भूख प्यास आदि का अनुभव होता है, उसके अंदर इसकी पूर्ति को लेकर एक अजीब सी बेचैनी हलचल तथा तनाव सा उत्पन्न हो जाता है, और फलस्वरूप उसका संतुलन डगमगा जाता है तथा उसकी समायोजन को खतरा पैदा हो जाता है। ऐसी स्थिति में इन सब बातों का मुकाबला करने के लिए उसमें एक विशेष प्रकार की शारीरिक तथा मानसिक स्थिति का निर्माण होता है, जिसके द्वारा आवश्यकता पूर्ति के संदर्भ में उसके द्वारा किए जाने वाले व्यवहार की बागडोर हाथ में ले ली जाती है। आवश्यकता पूर्ति लक्ष्य निर्देशित व्यवहार के चालक के रूप में अस्तित्व में आने वाली इस मानसिक तनाव से युक्त शारीरिक और मानसिक अवस्था को, जिसके द्वारा व्यक्ति के सामान्य व्यवहार में बहुत अधिक तेजी या चमक आ जाती है, मनोविज्ञान में चालक या अंतर्नोद का नाम दिया जाता है। चालक या अंतर्नोद से तात्पर्य व्यक्ति में निहित उस आंतरिक तत्व शक्ति या मानसिक एवं मानसिक या शारीरिक स्थिति से है, या सख्त चालक पुंज के रूप में है जिसके द्वारा व्यक्ति के व्यवहार का निर्देशन और संचालन होता है, और जिनसे हम आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। व्यवहार के इस तरह के चालकों की सत्ता से हमारा परिचय तब होता है जब हम किसी आवश्यकता विशेष के शिकार होते हैं। बात करते हैं कि प्रोत्साहन इंसेंटिव या प्रलोभन क्या होता है। आवश्यकताएं और अंतर्नोद जैसा कि हम पढ़ चुके हैं, तो व्यक्ति की आंतरिक अवस्था का प्रतिनिधित्व करती हैं आवश्यकता और अंतर्नोद। भोजन या पानी की शरीर में कमी हो जाने से हमें इनकी आवश्यकता अनुभव होती है, तथा इस कमी को दूर करने हेतु भूख ही व प्यास अंतर्नोद का जन्म होता है। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि भोजन की कमी या पानी की कमी के कारण भूख और प्यास अंतर्नोद को जन्म नहीं मिलता, बल्कि उसके अच्छे प्रिय और स्वादिष्ट भोजन या पेय पदार्थों की महक या देखने से या दर्शन से
हमें भूख लगने या प्यास होने की अनुभूति करा देते हैं और फलस्वरूप हम इन्हें ग्रहण करने हेतु भूख प्यास तथा अंतर भूख प्यास के अंतर्नोद की उत्पत्ति हो जाती है। इस अवस्था में अच्छे प्रिय और स्वादिष्ट भोजन तथा पेय पदार्थों की महक या उसकी उपस्थिति को प्रोत्साहन या प्रलोभन की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार के प्रोत्साहन तथा प्रलोभन से शारीरिक आवश्यकता के स्थान पर इनके स्वाद को ग्रहण करने की आवश्यकता हावी हो जाती है और फलस्वरूप भूख तथा प्यास अंतर्नोद की शक्ति में नए सिरे से वृद्धि हो जाती है और हमारा व्यवहार इन भोजन तथा पेय पदार्थों को ग्रहण करने की दिशा में निर्देशित हो जाता है। इस प्रकार से प्रोत्साहन का यह एक कार्य तो निश्चित रूप से होता है कि इसमें आवश्यकता पूर्व से जुड़े हुए किसी अंतर्नोद या अभिप्रेरक को अतिरिक्त शक्ति मिलती है और अभिप्रेरित व्यवहार एक अतिरिक्त जोश या उमंग से भर उठता है। फैक्ट्री में जब मजदूर कार्य करते हैं तो उनको अतिरिक्त बोनस दिया जाता है, उनके अच्छे आचरण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, वे दोगुने जोश से अपने कार्य निष्पादन में जुड़ जाते हैं। और प्रलोभन के रूप में हम प्रशंसा या प्रशस्ति पत्र या इनाम भी मानते हैं, कहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें।